करीब 4:02 पे पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि सरायकेला जिला अंतर्गत आमदाऊ के कोटो बेड़ा नामक जगह पे एक पैसेंजर ट्रेन डिरेल हुई है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब आमदाऊ की प्रभारी को सशस्त्र बल गया। इसके साथ ही जिला के सभी थाना प्रभारियों को और अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला को चांडिल को भी अविलंब घटनास्थल पर रश करने को निर्देशित किया गया और पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के करीब 1 घंटे के अंदर ही जितने भी घायल उनको रेस्क्यू करते हुए एम्बुलेंसेज के माध्यम से, निजी वाहनों के माध्यम से, पुलिस के वाहनों के माध्यम से आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और बाद में NDRF को भी कॉल किया गया। NDRF की टीम भी पहुंची। NDRF की टीम के द्वारा भी 200 को अभी निकाला गया। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी CTC मुसाबनी से, IRBP से, JAPSIC से भी करीब 300 की संख्या में फोर्स भेजी गई और जमशेदपुर जिला बल से और चाईबासा जिला बल से भी अविलंब यहाँ पे करीब 200 की संख्या में फोर्स उपलब्ध कराई। किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए तीनों जिला के, सरायकेला जिला के, जमशेदपुर जिला के तथा चाईबासा जिला के अस्पतालों को अलर्ट वहाँ पर रखा। अभी रेस्क्यू कार्य लगभग पूरा हो चुका है और रिस्टोरेशन की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन द्वारा जितना जल्दी हो सके रिस्टोरेशन कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जा रहा है और ताकि जल्द से जल्द ट्रेन से पुनः बहाल हो सके।